अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी काम लगा हुआ है जहाँ पे। गाइस चेक, वो देख लो जहाँ पे नंबरिंग शुरू होगा वो प्लेटफॉर्म सेकंड वो बना हुआ है, प्लेटफॉर्म बन जे है जी, मतलब जो पोल लगा हुआ है कितनी हाइट पे है। कल को जब जहाँ पे फ्लैग लगेगा, अपना इंडियन फ्लैग लगेगा, तो कितना ज़्यादा प्यारा लगेगा पहाड़ों के ऊपर, मतलब ये कम से कम भी जम्मू तक दिखना चाहिए। तो गाइस सीन कुछ ऐसा है, अभी हम लोग निकल गए हैं सलाल डैम से, अभी जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है ज्योतिपुरम। ज्योतिपुरम से होते हुए हम लोगों को पता नहीं एक विलेज पड़ेगा, उसका मुझे नाम नहीं पता है अभी, खैर मैं आपको फ्रंट दिखाता हूँ कैमरा। तो ऐसा वो सीन है, मैंने आपको बता रहा था कि आगे एक विलेज पड़ेगा ज्योतिपुरम, ज्योतिपुरम से होते हुए हम लोगों को जाना पड़ेगा रेलवे ब्रिज। अब पेट्रोल जो है ना वो गाड़ी में कम ही बचा है, रिस्क लेके चल रहे हैं। अगर तो पेट्रोल ख़त्म हो गया है ना, फिर तो मतलब टेंशन ही टेंशन है। अगर नहीं ख़त्म हुआ तो फिर देख लेंगे क्या बनता है आगे, अगर थोड़ा सा बचेगा तो किसी भी तरह पहुंच के कहीं मैनेज कर लेंगे वहाँ से। फिलहाल तो अभी हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो रेलवे ब्रिज है, जो आपको पता है रियासी में है, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है वो। तो गाइस उस चीज़ को हम देखने जा रहे हैं बड़ी देर से, मतलब कि इस चीज़ को मैंने सोच के रखा हुआ था कि ये वाला ब्रिज हमने कवर करना ही करना है, पर टाइम नहीं मिल रहा था, टाइम भी नहीं था और कुछ प्रॉब्लम चल रही थी उस वजह से। दो महीने से प्लानिंग चल रही है भाई, ये प्लानिंग बड़े चिर से बन रही थी। तो गाइज अभी फाइनली आए हुए हैं हम लोग, पीछे तीन चार जगह हमने कवर कर ली हैं, अभी शाम तक हम लोग यहीं पे हैं। आज शाम को हम वापस जाएंगे, शाम तक जितने भी हम जगहें कवर कर सकेंगे वो सब करेंगे और सब कुछ दिखाऊंगा मैं आपको। बस आपको एक ही काम करना है, और वो क्या काम है आपके लिए, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है जितनी जल्दी हो सकती है, चैनल को 10K सब्सक्राइब कंप्लीट करवा दो यार। फिर हमें सोच रहा था कि मैं कहीं यार एक अच्छी वाली बाइक लूँगा, फिर हम शायद मतलब जम्मू से बाहर भी हम टूर करेंगे, बाहर भी हम निकला करेंगे, बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है यार। मैं कब से आपसे रिक्वेस्ट करे जा रहा था कि कर दो पर हो नहीं रहा। चलो कोई ना, जब होने होंगे तब हो ही जाएंगे। फिलहाल तो अभी आप इस ब्लॉग को एंजॉय करो, इस व्यू को एंजॉय करो जो सामने आपको दिखा रहा हूँ। तो गाइस ये देख लो सामने व्यू कितना प्यारा है, मतलब कि साथ में दरिया चल रहा है और साथ में पहाड़ हैं, पत्थर भी गिर रहे हैं, रिस्क बड़ा ज़्यादा, छोटे छोटे पत्थर रोड पे गिरे हुए हैं। मुझे पीछे भी स्कूटी वाले ने बोला था कि रुकना नहीं कहीं पे भी, गाड़ियों पे पत्थर गिरते हैं जहाँ पे, जितनी जल्दी हो सकती है निकल जाओ जहाँ से, इसलिए मेरी कोशिश है कि जो तो कोई भी पत्थर गिरा हुआ है। तो गाइस जितनी जल्दी हो सकता है निकलते हैं जहाँ से, हिल एरिया है अभी, तो इतना शुक्र है कि बारिश नहीं हो रही है। सुबह जब हम निकले थे तब बहुत ज़्यादा बारिश थी, तब तो मैंने सोच के रखा था कि मैं कहना इतनी ज़्यादा बारिश होगी तो मैं कहीं पे भी नहीं जाऊँगा, पर लेकिन अभी थोड़ा ठीक है, मौसम साफ हो चुका है, धूप निकली हुई है, पर गर्मी बड़ी ज़्यादा। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जैसे होके इस जो जो हम लोगों ने लोकेशन सेट करी हुई है सुबह से, मैंने तो मेरे दिमाग में थी चल रही, वो मैं आपको दिखाऊं एक बार, आपको भी मतलब कि इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता था। तो ठीक है गाइस एंजॉय करो व्यू। पेट्रोल कम हो गया गाड़ी में तो पेट्रोल डलवाना पड़ेगा थोड़ा सा, इसलिए हम थोड़ा सा पेट्रोल डलवाने के रुके हुए हैं अभी। अभी रियासी में एंटर हुए नहीं है, वैसे हम लोग सोच रहे हैं कि जहाँ से पेट्रोल फिल करके फिर वापस जाएंगे हम लोग, कहाँ पे, ब्रिज रेलवे ब्रिज पे, रेलवे ब्रिज पे जाएंगे, तो आज उसको भी कवर करेंगे, उसके बाद अगर टाइम मिला तो देखेंगे, नहीं तो घर को वापस चले जाएंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं रेलवे स्टेशन जो रियासी में है उसको कवर करेंगे पहले, अगर हम लोगों को मौका मिला तो हम जो रेलवे ब्रिज का व्यू पॉइंट है ना वहाँ पे भी जरूर जाएंगे हम लोग, उसको भी कवर करेंगे। बस आप साथ में बने रहो, आई थिंक यही है शायद, है ना, ये नहीं जी, मतलब रेलवे ट्रैक तो यही लग रहा है मेरे को जो ऊपर है, रेलवे ट्रैक है भाई। हाँ यही तो है,
तो गाइज अभी हम लोग वहां पे पहुंच के ही आपको दिखाऊंगा सब कुछ अभी, क्योंकि मेरे को करनी है गाड़ी ड्राइव, और ड्राइव करते हुए फोन अलाउ नहीं है। फाइनली हम पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन, सामने दिख रहा होगा आपको रेलवे स्टेशन, वो देखो रियासी लिखा हुआ है, वो देखो रेलवे रियासी लिखा हुआ है। ब्रिज कहाँ पे बना हुआ वो नहीं मेरे को पता, नहीं ब्रिज में जाएंगे हम थोड़ी देर के बाद, फिलहाल तो अभी हम लोग स्टेशन में जाएंगे, स्टेशन पे जा रहे हैं, पहले स्टेशन को देख के आएंगे, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं जहाँ पे रियासी में, इसको भी कवर करके ही जाएंगे अभी, उसके बाद देखते हैं आगे गाड़ी कहाँ तक जाती है, गाड़ी जहाँ तक जाएगी। गाइस चेक दिस आउट, रियासी, फाइनली रियासी रेलवे स्टेशन। चलो देखते हैं अंदर कहाँ तक जाने देते हैं हम लोगों को, फिलहाल तो अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, कब तक रेडी होगा कोई पता नहीं है, अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं क्या क्या काम चल रहा है। कुछ फील आ रही है जम्मू में, ऐसा कुछ होता है जहाँ पे टिकट काउंटर्स होंगे जो भी बनेंगे, ये प्लेटफॉर्म होंगे वो देख लो, जहाँ भी नंबरिंग शुरू होगा वो प्लेटफॉर्म सेकंड वो बना हुआ है, प्लेटफॉर्म बन जे है, छोटा सा है पर सही है। और वो रही टनल, मेरा काफ़ी दिन से प्लान था कि रियासी रेलवे स्टेशन को एक्सप्लोर करूं एक बार, देखूं तो सही, मतलब बड़ी सारी मैंने वीडियोस देखी थी इनकी, बड़ा कुछ मतलब कि हाइलाइट्स हो रहा था कि बड़ा प्यारा रेलवे स्टेशन बना हुआ है, तो गाइस आज फाइनली अपनी आंखों से देख पा रहा हूं मैं, ये मतलब कि प्लेटफॉर्म वन है, प्लेटफॉर्म सेकेंड उस साइड है, ये दोस्तों सामने आपको दिख रहा होगा सेकंड प्लेटफॉर्म है, उस साइड भी आपको लेके जाऊंगा अभी, पहले जो सीढ़ियाँ इन्होंने बंद करके रखी हुई हैं, देखते हैं उस साइड जाने देते हैं नहीं जाने देते हैं, पता नहीं इन्होंने तो लॉक करके रखा हुआ है, आगे बंद करके रखा है, पर जो भी है बड़ा सही लग रहा है जहाँ पे, मतलब पहाड़ों के बीचों बीच बना हुआ है, एक सबसे प्लस पॉइंट पता जहाँ पे क्या है कि मतलब कि जहाँ गर्मी वो फील नहीं हो रही है, जैसे जम्मू में इतनी सारी गर्मी है जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, मौसम एकदम ठंडा सा पड़ा हुआ है, कुछ भी मतलब क्या यार बताऊँ आपने, वो बोलते ना अपने क्या बोल जज्बात, वो मतलब काबू में नहीं है, मतलब इतना प्यारा चीज़ देखने को मिल रही है हमारे जम्मू में, कोई पहाड़ों में मतलब कोई किसी ने सोचा भी नहीं था कि इन जैसी जगहों पे भी रेलवे स्टेशन बन जाएंगे, और जम्मू से मतलब कश्मीर तक ट्रेन जा सकेगी, क्योंकि ऐसा आपको पता ही है हमारा जम्मू कितना ही मतलब पता है आगे मिलिटेंसी की वजह से डिसॉल्व है, तो कौन सोचता था कि मतलब कि जम्मू से कश्मीर ट्रेन जाएगी, जो गवर्नमेंट ने वो पॉसिबल करके दिखा दिया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस जो रेलवे स्टेशन का उद्घाटन था वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, तो जब वो MS स्टेडियम आए थे जम्मू में तब से ये मतलब कि इसकी ओपनिंग वगैरह हुई है, पर अभी जहाँ पे लोगों का मतलब कि ट्रैवल करना वो भी स्टार्ट नहीं हुआ है, पता नहीं जो मैं क्लियर कर रहा हूँ आपसे वो सही भी है या नहीं है, अगर कुछ मैं गलत भी बोल रहा हूँ तो प्लीज़ उसके लिए मेरे को कुछ गालियाँ वगैरह मत निकालना, जितना मेरे को पता है खुद से मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पे कोई ऐसा बंदा मुझे मिल नहीं रहा है कि जो मुझे क्लियर करेगा जहाँ पे। अभी हम जो टनल के अंदर जाएंगे थोड़ी देर के लिए, देखते हैं थोड़ा सा अंदर जाएंगे। ए इतू तक जाना से गाइस, थोड़ा सा अंदर जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, सिर्फ थोड़ा सा फील करेंगे अंदर टनल के अंदर से, थोड़ा सा देखते हैं अगर वो, ये देख रहे हो ऊपर इतनी बड़ी बड़ी दीवारें इसलिए इन लोगों ने बनाई हुई हैं, क्योंकि कल को पत्थर पुत्थर गिरने का डर होता है ना, तभी इन लोगों ने सेफ्टी को देखते हुए एकदम से पूरी दीवार ही खड़ी करके रख दी है। हम लोगों को मौका मिला है अंदर जाने का, देखते हैं अंदर जाके थोड़ा सा कैसा ही
फील होता है, कल को थोड़ी जाने देंगे जब कल को से स्टार्ट हो जाएगी। देख रहे हो गाइस ट्रैक वगैरह तैयार हो रहे हैं, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी लगी हुई है, काम कर रहे हैं लोग वगैरह जहाँ पे। थोड़ा सा अंदर से देखेंगे जहाँ पे, उससे ज़्यादा शायद अंदर नहीं जाने देंगे हम लोगों को। इन भाई लोग से पूछते हैं कि थोड़ा अंदर जा सकते हैं, इससे नहीं। भाई जी थोड़ा अंदर जा सकते हैं जहाँ तक, ठीक है, थैंक यू। नहीं इधर तक। तो गाइस जहाँ तक हम अंदर जाएंगे उससे ज़्यादा आगे अलाउ नहीं है जाने को, इन्होंने हम लोगों को बता दिया है, इससे ज़्यादा अंदर नहीं जा सकते हम लोग, यहीं से होके वापस आ जाएंगे। गाइस ऐसा कुछ व्यू है अंदर का, देख लो। इसके अंदर से ट्रेन जाएगी और हम लोगों को इससे ज़्यादा आगे जाने की परमिशन भी नहीं है, परमिशन है भी नहीं इससे ज़्यादा आगे जाने की। तो गाइस मतलब कि हम अपने आप को बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हमें ये देखने का मौका मिला हुआ है। तो कोई नहीं, इन फ्यूचर जब कभी ट्रेन चलेगी तो हम लोग जहाँ पे ज़रूर आएंगे, एक बार ट्रैवल भी करेंगे जहाँ पे आके हम लोग। तो कोई ना, अच्छा लग रहा है जहाँ पे आके, ठंडा ठंडा फील हो रहा है। कोई बात नहीं, देखते हैं यार आगे इन फ्यूचर कहाँ कहाँ के प्लान बनेंगे, कौन कौन सी आपको लोकेशनें दिखाऊंगा, कौन कौन से मतलब कि आपको व्यू दिखाने वाला हूँ। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और टैन के सब्सक्राइब करवा। यार बड़ी मेहनत लग रही है कसम से, बड़ी ज़्यादा मेहनत लग रही है। आप तो थोड़े से आप हेल्प कर ही दो। एक चीज़ दिखाऊंगा आपको, इस वाली कार पे बैठे हम लोग, देखते हैं बैठ के। ये वगैरह कार्स वगैरह बनाई हुई हैं इन लोगों ने, कोई जो इंजीनियरिंग वर्क करते हैं, अपना काम वगैरह करते हैं, इन्हीं से इन्हीं के ऊपर बैठ घूट के वो आगे पीछे जाते हैं। तो देख लो अंदर से मतलब कितना प्यारा व्यू है, मतलब आवाज़ पता कैसी आ रही है, ऐसे मतलब बारिश लगी हुई है, पता नहीं ऊपर टनल के ऊपर, अब पता नहीं आवाज़ किस चीज़ की आ रही, क्यों पानी की आवाज़ है क्या, क्या चीज़ है, आई डोंट नो। जितना हम लोगों ने एक्सप्लोर करना था कर लिया, जितना हम लोगों ने देखना था देख लिया है, बड़ा अच्छा लग रहा है जहाँ पे भी आके। तो थोड़े दिन के बाद बोल रहे हैं 16 तारीख से जहाँ पे ट्रेन भी स्टार्ट हो जाएगी, अगर मौका लगेगा तो हम लोग जहाँ से ट्रैवल करेंगे रियासी से हम सीधा जाएंगे कश्मीर तक, तो हम लोगों का सफ़र भी आसान हो जाएगा। पहले हम लोग बाया रोड जाते हैं, अब हम ट्रेन से जाया करेंगे। तो गाइस आपको कैसा लगा ये वाला ब्लॉग, अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। गाइस एक चीज़ देख रहे हो, ये वाला जो पोल लगा हुआ है कितनी हाइट पे है, कल को जब जहाँ पे फ्लैग लगेगा अपना इंडियन फ्लैग लगेगा तो कितना ज़्यादा प्यारा लगेगा, पहाड़ों के ऊपर मतलब ये कम से कम भी जम्मू तक दिखना चाहिए, इतनी हाइट पे है ये। मैं बाहर से आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, रेलवे स्टेशन अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी काम लगा हुआ है जहाँ पे, कंटिन्यू काम चले जा रहा है अभी जहाँ पे। तो गाइस अभी हम चले हैं वापस, अब हमारा लास्ट जो बचा हुआ है वो है ब्रिज, तो देखना है उसके लिए हम स्पेशली जहाँ पे आए हुए थे, बट जहाँ से परमिशन नहीं हम लोगों को जाने की, क्योंकि जहाँ से सिर्फ बता रहे हैं कि 10-15 मिनट का रास्ता है या टनल है 6 किलोमीटर की, बट जहाँ पे उन्हीं लोगों को भेजा जाता है जिनके पास खास परमिशन होती है, खास कोई पास वगैरह होते हैं, वही लोग जा सकते हैं इस रूट से। बाकी आम पब्लिक के लिए अभी जे ओपन नहीं करा इन लोगों ने, कोई नहीं इन फ्यूचर शायद खोल देंगे, कल को देखते हैं अगर हम लोगों को मौका मिला तो हम भी देखेंगे। तो अभी बोल रहे हैं एक एरिया पड़ता है बक्कल साइड, बक्कल से होते हुए जाना पड़ेगा, गर्मी बड़ी ज़्यादा, ह्यूमिडिटी बड़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि सुबह बारिश हो रही थी ना, तो अभी बारिश बंद है उस वजह से गर्मी थोड़ी ज़्यादा लग रही है। ब्लॉग बना है अच्छा ही होगा आई थिंक, नहीं भी अच्छा बना होगा फिर भी यार कर देना लाइक, मेहनत लग रही है बड़ी ज़्यादा, आपको अच्छी अच्छी जगहें दिखा रहा हूँ मैं।
चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं अभी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ख्याल रखो, टेक केयर। हाँ।